हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट के टॉप 100 प्लस वीवीआई एमसीक्यू। जी हाँ, और इस बार एग्जाम में आपसे टोटल 20 के 20 एमसीक्यूज इसी 100 एमसीक्यूज में से पूछे जाने वाले हैं। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो को देखें स्टूडेंट, टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस तरह का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट वाज। मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर किन्हें कहा जाता है? एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फयोल, जॉर्ज आर टेरी, एप्ले। तो हमने पढ़ा है कि मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर किन्हें कहा जाता है? हेनरी फयोल को। हमने पढ़ा है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फयोल। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हेनरी फयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डू नॉट इंक्लूड इन। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट है प्रमोशन, सेकंड इज डीमोशन, थर्ड इज ट्रांसफर एंड फोर्थ वन इज गेट हायरिंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं है। अब रिक्रूटमेंट दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या हुआ कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉयज को उठा रहे हैं और उन्हें रिक्रूट कर रहे हैं। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि आप बाहर से एम्प्लॉयज को ला रहे हैं और उन्हें क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोशन, प्रमोशन मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनके पोजिशन पे प्रमोट कर रहे हैं। ओके, तो ये तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो ये भी वही चीज हो गया। ट्रांसफर किनका किया जाता है, जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। डीमोशन किनका किया जाता है, जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, यानी कि उनको क्या किया जाता है, उनके पोजिशन से और नीचे वाले पोजिशन पे डिमोट कर दिया जाता है। द लास्ट वन इज गेट हायरिंग, ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। गेट हायरिंग एक तरह का रिक्रूटमेंट होता है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डेट इज गेट हायरिंग। नेक्स्ट है आपका, स्टाफिंग डील्स विद। स्टाफिंग क्या होता है, हमने पढ़ा है स्टाफिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ लिया है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि स्टाफिंग प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के साथ डील करता है, अभी जो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है। यस, बिल्कुल सही बात है। पास्ट रिक्वायरमेंट, पास्ट रिक्वायरमेंट मीन्स क्या, यानी कि जो पहले हमारे रिक्वायरमेंट थे। तो यदि आज से 100 दिन पहले मुझे 1000 एम्प्लॉयज की जरूरत थी, तो क्या मैं उन्हें अभी रिक्रूट करूंगा? बिल्कुल नहीं। क्यों रिक्रूट करूंगा मैं, वो तो पास्ट रिक्वायरमेंट था हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। देखिए, जब भी आपको एक ऑप्शन मिल जाए, हमेशा ये सजेशन रहेगा कि आप चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद टिक करें। आप कभी भी ऑप्शन चूज करने में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि कई सारे एमसीक्यूज ट्रिकी रहते हैं कि फर्स्ट आपका ऑप्शन सही है, फिर भी आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। कैसे, आइए इसी में देख लेते हैं। द थर्ड वन इज फ्यूचर रिक्वायरमेंट, मीन्स जो हमारा भविष्य का रिक्वायरमेंट होने वाला है। जैसे आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मान लिया जाए कोई मेरा ऑर्गेनाइजेशन में नया डिपार्टमेंट स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मुझे मैनेजर की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है ना, क्लास सी की, क्लास डी ग्रेड के एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो वो क्या हुआ, हमारा फ्यूचर रिक्वायरमेंट हुआ। तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। जैसे जो वैकेंसी निकलती है, जैसे रेलवे की वैकेंसी निकली, तो वो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट पे भी निकलती है और फ्यूचर रिक्वायरमेंट पे भी निकलती है कि आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझे इस डिपार्टमेंट में या इस डिवीजन में एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, अभी रिक्रूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट दोनों होगा। सो ऑप्शन नंबर डी, डेट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो जो लोग जल्दबाजी में रहेंगे वो ऑप्शन नंबर ए मार के निकल देंगे। हालांकि उनका आंसर सही है, लेकिन बिकॉज ये आपका एमसीक्यूज है, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं, आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना है। लिखा हुआ रहता है कि किन्हीं एक विकल्प को सिलेक्ट कीजिए, चूज ओनली वन ऑप्शन। तो आपको इनमें से कोई एक ही चूज करना है और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी आर, मतलब कि कौन से फैक्टर्स है, कौन से ऐसे कारक हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं।
द फर्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स, या ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, जो हमारे एम्प्लॉय हैं। सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी, जो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, नई जो टेक्नोलॉजी आने वाली है। थर्ड वन इज गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा कानून वगैरह चेंज होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द एबव। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी को देखें स्टूडेंट, तो प्रोडक्टिविटी को ये तीनों जो कारक हैं, ये तीनों जो फैक्टर है, ये अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स रखिएगा अपने पास, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, उत्पादकता, उत्पादक क्षमता, ठीक है। टेक्नोलॉजी, अगर आप इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे, अगर आपके एम्प्लॉयज वो सारे टेक्नोलॉजी से स्किल्ड हैं, वो टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इफिशियंट हो जाएगी। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट अगर कोई रेगुलेशन ऐसा लगा देती है, वो भी प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने मान लिया जाए इम्पोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे कुछ इस तरह का रेगुलेशन लगा दिया, लॉ लगा दिया, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फील कंसर्न्ड विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति भी क्या होना चाहिए, कंसर्न्ड होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, चिंतित होना चाहिए। बिकॉज दे कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट, वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आर मोर इफिशियंट, उनके लिए ज़्यादा इफिशियंट रहेगा ये। आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी के पार्ट हैं। एंड कैन कंपाइल इन बेटर वे, ओके। तो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट चारों ऑप्शन को पढ़ें और थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएं, तो देखिए क्वेश्चन में आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि चूज द मोस्ट सुइटेबल आंसर। तो यहाँ पे मोस्ट सुइटेबल क्या होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो पार्ट ऑफ सोसाइटी ही है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है, सोसाइटी के लोग ही खरीद रहे हैं ना, सो वो भी क्या है, सोसाइटी के पार्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 50, यानी कि कौन सा ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 है। फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हमने स्टूडेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, और जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी पे भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे आपको ये सारे वीडियो जो मिल जाएंगे एक साथ। हमने पढ़ रखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, कि जब कोई एक अकेला ऑनर अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा हो, तो ये तो खैर होगा नहीं। सेकेंड वन इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक लोग क्या कर सकते हैं, मिल करके बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि पहले जो हमारे अभी अकॉर्डिंग दिया गया है, कौन सा देखिए न्यू रूल आया है, हाँ, कंपनीज एक्ट 2013, मैंने पार्टनरशिप में आपको दिखाया था कट उसका, और रूल्स नंबर 10 भी उसके दिखाए थे हमने। तो कंपनीज एक्ट 2013 उसके सेक्शन नंबर 436 में क्या लिखा हुआ था कि एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का जब आप रूल बनाइएगा, यानी कि वो रूल्स के लिए लिखा हुआ था, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर हमने रूल्स भी देखा था, रूल नंबर 10 में ये लिखा हुआ था कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी की ये बात हो रही है 2013 के बाद की, यानी कि जब से वो बिल आया है तब से। नेक्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, यहाँ पे शेयर्स शेयर होल्डर रहते हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, 50 हैं। एंड द फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्टनरशिप टिक करें या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टिक करें, तो यहाँ पे आपको टिक करना है मोस्ट सुइटेबल आंसर। तो मोस्ट सुइटेबल आंसर अब क्या होगा, यहाँ तो पार्टनरशिप में भी 50 है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में 50 है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें, मोस्टली सिलेबस में जो ओल्ड सिलेबस, मतलब कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंस्टीट्यूट है आपका, उसमें अभी तक ओल्ड सिलेबस ही फॉलो हो रहा है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप में अभी 20 ही लिमिट है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो प्रीवियस वाला एक्ट था उसके अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स 20 हो सकते हैं, और अगर वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप पे चल रही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 10 हो सकते हैं, ठीक है, वो हमने देख लिया था। लेकिन प्रीवियस एक्ट की भी बात करें तो वहाँ पे भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का मैक्सिमम नंबर 50 था, और अभी भी वही चल रहा है, तो मोस्ट सुइटेबल आंसर यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी ही होगा। ओके,
हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, लेकिन फिर भी आ गया अगर मान लिया जाए तो आपको मोस्ट सुइटेबल आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज डिक्रीजिंग द वर्क प्रेशर अमंग ऑफिसर्स। जो ऑफिसर्स होते हैं यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होते हैं उनके बीच में वर्क प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बिल्कुल नहीं, ये तो उल्टा बात बोल रहा है ना। नेक्स्ट ऑप्शन इज लिमिट द अथॉरिटी टू ऑफिसर्स ओनली, यानी जो अथॉरिटी होता है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास लिमिटेड रहता है, बिल्कुल ये सही बात है। हमने सेंट्रलाइजेशन में पढ़ा था कि कुछ लोगों के हाथ में अथॉरिटी ज़्यादा होती है और जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं उनसे रेयरली ही जो है राय या मशवरा किसी चीज़ पर डिसीजन मेकिंग में लिया जाता है। तो ये ऑप्शन एक तो होगा, फिर भी हम लोग बाकी के बचे दो ऑप्शन पढ़ेंगे। द थर्ड ऑप्शन इज establishing different branches at one place, ऐसा कुछ नहीं होगा, and D is none of these, तो यहाँ पे option number B आपका correct होगा student, okay। The next question is delegation of authority is, authority का delegation का मतलब क्या है, हमने पढ़ रखा है delegation of authority जब हमने पढ़ा था authority and responsibility का topic। तो symbol of authority, fixation of authority, expansion of authority, none of these, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी। मीन्स क्या, जब आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं तो अथॉरिटी एक्सपैंड हो रहा है ना, यानी कि जब आप एज अ सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ टास्क दे रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल आप उसे अथॉरिटी भी देते हैं ताकि वो अपना टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके, थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग का काम भी अपने से वो कर सके। तो आप यहाँ पे अथॉरिटी को क्या कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं टुवार्ड्स योर सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। मैनेजमेंट इज एबव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, और हमने एक सिंगल वीडियो में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा है, उसको कंपेयर भी किया है, ठीक है, क्या होता है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मैनेजमेंट इज एबव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज सेम। क्या मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सेम है? द थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज बिलो एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बिलो है? एंड द फोर्थ वन इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिफरेंट डिसिप्लिन, दोनों अलग अलग डिसिप्लिन है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या स्टूडेंट इस वीडियो में, कि मैनेजमेंट क्या रहता है, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या, जो टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा, कि मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बिलो होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट है प्योर साइंस, पूरी तरह से साइंस है, अप्लाइड साइंस है, एंड आर्ट है, या बोथ साइंस एंड आर्ट है। तो हमने जब मैनेजमेंट स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, है ना। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है और साइंस है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू लीडरशिप, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लीडरशिप से रिलेटेड है। ओके, तो फर्स्ट वन इज डिसीसिव। डिसीसिव मीन्स डिसीजन मेकिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, बिल्कुल एक लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज काइंडली, यस, एक लीडरशिप हम्बल होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए। द थर्ड ऑप्शन इज एग्रीएबल। एग्रीएबल मीन्स क्या, जब वो कोई डिसीजन मेकिंग का काम करे या जब वो कोई प्रस्ताव रखे तो जो सबॉर्डिनेट्स हो, जो एम्प्लॉयज हो, वो उसकी बात को माने, यानी वो उसकी बातें एग्रीएबल होनी चाहिए, ठीक है। तो यस, ये भी होना चाहिए, एक लीडरशिप का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निगेटिव मोटिवेशन इज, निगेटिव मोटिवेशन क्या है। तो हमने जब पढ़ा था मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, और मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कैसे में, जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा था मोटिवेशन। तो पॉजिटिव मोटिवेशन और निगेटिव मोटिवेशन, हमने दोनों तरह की चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है निगेटिव मोटिवेशन क्या है। कंपल्सरी लीव, कंपल्सरी लीव मीन्स जो है कंपल्सरी किसी एम्प्लॉय को छुट्टी देना। कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी उसको रिटायरमेंट दे देना कंपल्सरी।
फाइन, उस पर फाइन लगाना, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो है ये निगेटिव मोटिवेशन है, यानी कि जब हमें किसी सबॉर्डिनेट से, किसी एम्प्लॉय से कोई टास्क चाहिए तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। यानी हम पॉजिटिव वे में कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर आप इस टास्क को इस डेडलाइन तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा या आपको प्रमोट किया जाएगा, इस प्रकार से। नेगेटिव मोटिवेशन क्या हो सकता है कि यदि आप नहीं कीजिएगा तो आपको फाइन लग जाएगा या आपके सैलरी से इतना पैसा कट जाएगा या आपको कंपलसरी लीव दे दिया जाएगा या आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा या हो सकता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या कर दिया जाए, फायर कर दिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन ये सारे क्या है, निगेटिव मोटिवेशन के एग्जांपल है। इससे भी एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, हमें ये टास्क इस डेडलाइन तक कंप्लीट करना ही करना है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन, सेकेंड वन इज लो डिग्री ऑफ डिसिप्लिन, नो इफेक्टिव डिसिप्लिन, नन ऑफ दीज। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो एक कंट्रोल वे में होता है, वहाँ पे जो अथॉरिटीज होते हैं, जो एक हमने पढ़ा था लाइन, वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं। तो हर एक लाइन मैनेजर्स के पास अपना फिक्स्ड वर्क होता है, फिक्स्ड अथॉरिटी होता है और वहाँ पे एक डिसिप्लिन वे में काम पूरा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट कंपल्सरी इन। जो डायरेक्टर्स का रोटेशन होता है वो किसमें कंपल्सरी नहीं होता है? फर्स्ट वन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव कंपनी या नन ऑफ दीज। तो जो पीवीटी एलटीडी रहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होते हैं, उनमें डायरेक्टर्स का रोटेशन कंपल्सरी नहीं होता है, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये जितने दिनों तक चाहे एक डायरेक्टर को रख सकते हैं डायरेक्टर के पोस्ट पे, या ऑनर खुद रहते हैं डायरेक्टर के पोस्ट पे। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये कंपलसरी होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये क्या होता है हमने आपको बता रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिगार्डिंग द लीडरशिप। इनमें से कौन सा लीडरशिप के रिगार्डिंग सही नहीं है या उससे रिलेटेड नहीं है? द फर्स्ट वन इज हॉनेस्ट, हॉनेस्ट तो होना चाहिए भाई किसी भी लीडरशिप को, है ना। द नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड लुकिंग, यस फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, है ना, कि वो देख सके आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है आगे, नई नई चीजें क्या क्या आ सकती है, हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। द थर्ड वन इज इंटेलिजेंट, बिल्कुल एक लीडरशिप को इंटेलिजेंट होना चाहिए। द फोर्थ वन इज बैकवर्ड लुकिंग, नो बैकवर्ड लुकिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक इज द फॉर्मल एंड लेजिटिमेट राइट ऑफ अ मैनेजर टू मेक डिसीजंस, इशू ऑर्डर्स एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ये क्या होता है, वर्क स्पेशलाइजेशन होता है, चेन ऑफ कमांड, अथॉरिटी या डेलीगेशन। तो हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी क्या होता है, एक मैनेजर का लेजिटिमेट राइट होता है, वैध अधिकार होता है, जिससे वो क्या कर सकता है, डिसीजन मेकिंग का काम कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीवमेंट के लिए रिसोर्सेज को एम्प्लॉयज के बीच एलोकेट कर सकता है। ठीक है, हमने जब पढ़ा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसमें अथॉरिटी और पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि अथॉरिटी एंड पावर आर सेम, नहीं ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। विदाउट अथॉरिटी आपके पास पावर हो सकता है, बट जो अथॉरिटी आती है वो पावर से ही आती है। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा यहाँ पे, आप जाकर वो वीडियो देख ले अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ मैनेजर टू सबॉर्डिनेट। और ये तो हम लोगों ने काफ़ी बार लगभग हर एक वीडियो में चर्चा किया है, डेट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे आँख बंद करके आपको मारना है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज डेलीगेशन इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम मैनेजर टू सबॉर्डिनेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन वर्क सिचुएशंस। यानी कि किसे डिफाइन किया जा सकता है मैनेजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। द फर्स्ट वन इज कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग या डिसीजन मेकिंग।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग जब हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन यानी कि हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन की भावना होनी चाहिए एम्प्लॉयज में, एक दूसरे के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना या टीम में मिलकर वर्क करना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होते हैं, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस का टर्म्स आता है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा कोऑर्डिनेटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, जो फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है टिक करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पे 3 वीडियो बना रखे हैं, हमने इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है ये पढ़ा, फिर लास्ट में हमने कंक्लूजन पढ़ा, ठीक है। और तीनों वीडियो लगभग आधा आधा घंटा का है, तो आप जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था जो FW टेलर साहब के द्वारा दिया गया था, ये फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल सेक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड इन, यानी कि जो फुल सेक्रेसी है, प्राइवेट जो बातें आपको रखनी है, अपनी सीक्रेट रखनी है, वो किस में मेंटेन किया जा सकता है। हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रखे हैं, आप इसका आंसर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप इसमें फुल सिक्रेसी रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी मेंबर्स होंगे सबको आपके बारे में पता होगा, यानी कि आपके बारे में नहीं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ऑनर होता है, वही मैनेज कर रहा होता है, वही फिनांस का काम देख रहा होता है, मार्केटिंग का काम देख रहा होता है, सारा ईच एंड एवरी काम वही परफॉर्म कर रहा होता है, तो जो सीक्रेट होता है बिजनेस का वो उसके पास रिमेन रहता है, सुरक्षित रहता है। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, पार्टनरशिप नहीं, इसमें भी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होते हैं, तो 2 लोगों के बीच जो है सीक्रेट चला गया। और पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि दूसरा, यानी इसका डिसएडवांटेज है कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो एक पार्टनर अलग हो जाता है और कॉम्पिटिटिव बिजनेस अपना स्टार्ट कर देता है। द लास्ट वन इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये भी नहीं होगा, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर कम, यानी कि इनमें से कौन से कैटेगरी में मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट आता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट में तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होते हैं, CEO होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, CFO होते हैं। सेकंड वन इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यस मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट किस में आएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगा। लोअर लेवल मैनेजमेंट नहीं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। ओके, हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी एक सेपरेट वीडियो में पढ़ रखा है। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ रखा है। ओके, तो आप जाके प्लेलिस्ट के लिंक में जाइए और सारे वीडियोज को देख लीजिए। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया गया आपको, और ये जो नोट्स है स्टूडेंट ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, डाउनलोड का लिंक आप वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इजिली, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसको मैक्रो करा नहीं मतलब आप लोग इसे प्रिंट आउट निकाल के इजिली पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हु हैज डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज POSDCORB, और ये काफ़ी VBI कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है 6 मार्क्स में कि इसका मतलब क्या होता है। तो एक थे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पहले हम पढ़ देते हैं, जिया टेरी लूदर गुलिक JB से और JA जो भी हो। तो लूदर गुलिक जो भी नेम हो इनका, लूदर गुलिक साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड। इन्होंने कहा है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम POSDCORB के टर्म में रख सकते हैं। यहाँ पे P का मतलब है स्टूडेंट प्लानिंग, O का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब है स्टाफिंग, D का मतलब है डायरेक्टिंग, CO का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, R का मतलब है रिपोर्टिंग एंड B का मतलब है बजटिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है 4-4 मार्क्स में, ठीक है। तो जस्ट आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है और 4 मार्क्स में पूछा जाए तो एक्सप्लेन कर देना है। हालांकि हम लोग 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के VBI क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, आज कल में वो वीडियो आ जाएगा आपका, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट दिया था लूदर गुलिक साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निगेटिव मोटिवेशन आर दोज मोटिवेशन विच आर बेस्ड ऑन, निगेटिव मोटिवेशन किस पे बेस्ड होता है, रिवार्ड पे? बिल्कुल नहीं, रिवार्ड अगर दिया जा रहा है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन। फियर, यस फियर होगा।
है ना, किसी को अगर फियर देकर, डरा कर, हालांकि डरा कर नहीं बोलना चाहिए, जैसे मतलब ये भय दिया जाए, है ना, हाँ भय टर्म यूज कर सकते हैं, भय दिखाकर, तो वहां पे ये निगेटिव मोटिवेशन के टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेज लेटर एंड रिवॉर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ, जब आप किसी को प्रेज लेटर दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव मोटिवेशन होगा, नेगेटिव नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नॉन एज, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को कहा जाता है, हमने पढ़ा था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हमने पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन में, और डेमोक्रेटिक पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन में, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब जहां पे एक तंत्रीय लीडरशिप, यानी कि जो पावर होता है वो कुछ इंडिविजुअल्स के हाथों में ही होता है, अथॉरिटी के पास ही होता है, और रेयरली ही लेवल जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं उनसे डिसीजन मेकिंग में जो है राय लिया जाता है, तो ये आपका डिसीजिव लीडरशिप होता है, नहीं इनडिसीजिव नहीं, डायरेक्टिव लीडरशिप ये आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, हमने जब जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था कि जो मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड लायबल होते हैं, यानी कि वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जबकि हमने पढ़ा था कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप में अगर वो ऑर्गेनाइजेशन LLP ना हो तो वहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, लेकिन आप बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का जितना प्रतिशत शेयर लिया है, यानी कि जितने शेयर्स के वो मालिक है, जस्ट उसके लिए वो लायबल होते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज मेड एन ऑटोनोमस बॉडी इन, यानी जो IDBI थी, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनोमस बॉडी बनी कब, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है आपको, February 1976, April 1964, मई 1977, June 1978। तो हम लोगों ने पढ़ा था IDBI जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी बनी थी इंडिया में कब, February 1976 में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है, लिस्ट ऑफ मशीन्स नहीं, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स नहीं, ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट यस, नन ऑफ द अबव नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि जो आपका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट का प्रपोजल है, उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। सो दैट्स अ ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रियल ऑनर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसके रियल ऑनर्स कौन होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में चूंकि शेयर्स बटा हुआ होता है तो वहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स अपने अपने शेयर के ऑनर होते हैं, तो वहाँ पे ऑनर क्या हो जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, फिनांस नहीं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के रियल ऑनर होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट दिस इज द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ मैनेजमेंट 6M डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे आप जो आपका टोटल 7th यूनिट है, यहाँ पे देखिए टोटल आपका 7 यूनिट है मैनेजमेंट में, उसके सारे वीडियोज आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हालांकि कुछ यूनिट अभी बचे हुए, उसके वीडियोज बन रहे हैं और काफ़ी सारे वीडियोज बन भी चुके हैं जो आपको एक दो दिन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इन सारे वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे वीडियोज की क्वालिटी क्या है कि ये वीडियोज के PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नीचे दिए गए प्लेलिस्ट पे जाइए और सारे वीडियोज को देखिए। अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है। आगे जो है स्टूडेंट, अभी 3.9 तक वीडियो आया हुआ है, इसके आगे का वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, एक दो दिन में सारे वीडियोज कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैम इनटू फोर्स ऑन, यानी जो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 वो कब से लागू हुआ,
है ना, एक होता है फैक्ट्रीज एक्ट का, यानी कि जो भी एक्ट आता है उसका डेट होता है, यानी कि वो एक्ट कब आया है ना, पार्लियामेंट में कब आया, और एक होता है कि कब से वो फोर्स में आया, यानी कब से लागू हुआ। या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इनएक्टेड इन, ठीक है, यानी कब से उसका प्रावधान लागू हुआ। तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 1949 से इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फोर्स में आया। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न्ड विद, एक जो प्रोजेक्ट होता है हमारा वो किन इन सारे में से किससे कंसर्न्ड नहीं होता है, यानी कि इन सारे में से किन पे वो जो है ध्यान ज्यादा नहीं देता है। तो फर्स्ट है रिस्क, नहीं, रिस्क पे तो ध्यान पूरी तरह देना है, हर एक प्रोजेक्ट में आपको रिस्क को कंसीडर करके चलना होता है। नेक्स्ट इज इनोवेशन, यस, नए नए इनोवेशंस को कंसीडर करते हैं। विजन, अलग अलग विजन होता है। क्रिएटिविटी, नहीं, क्रिएटिविटी को प्रोजेक्ट में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो कॉल्ड, इंटरप्रेन्योर को कहा जाता है, इंटरप्रेन्योर क्या होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, करेगस, लेस करेगस, करेगस लेस, नन ऑफ द एबव। तो इंटरप्रेन्योर को करेगस ही बोला जाएगा, क्योंकि इंटरप्रेन्योर क्या, उद्यमी होते हैं, जो नए नए उद्यम को स्टार्ट करते हैं, तो वो करेगस होते हैं, साहसिक होते हैं, उत्साही होते हैं, ना, तो करेगस इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम, तो जब हमने अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस समय हमने देखा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी क्या होता है, टॉप टू बॉटम, यानी कि सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट की ओर मूव करता है ना। वही अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मूव करता है, बॉटम टू अप, है ना, वो अपवर्ड मूव करता है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी क्या हो जाएगा आपका, टॉप टू डाउनवर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चारों ऑप्शन आपको पढ़ के ही टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, जो होलसेलर होता है वो एक लिंक की तरह काम करता है, किनके बीच में, रिटेलर और कस्टमर के बीच में, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, होलसेलर और कस्टमर के बीच में, या नॉन ऑफ बीच। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप अपने आप को एज अ होलसेलर समझ लीजिए। जब आप एज अ होलसेलर हैं तो आप प्रोडक्ट किससे परचेज करेंगे, आप कंपनी जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है आप उससे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और आप किसे बेचेंगे, आप रिटेलर को बेचेंगे, है ना, जो खुदरा दुकानदार होंगे वो आपसे सामान ले जाएंगे और फिर वो पीपल को बेचेंगे, ठीक है। तो आप एज अ लिंक काम कर रहे हैं, किनके बीच में, मैन्युफैक्चरर कंपनी और रिटेलर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस कंसिस्ट, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस होता है उसमें क्या होता है। हम लोगों ने जब अपना लेक्चर 1 पढ़ा था, डेट इज मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में लेक्चर 1.1 ही दिया गया है कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, उसमें हमने सारे टाइप्स के बिजनेस के बारे में पढ़ा है। सो मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस में रॉ मटेरियल होता है, बिल्कुल रॉ मटेरियल से ही तो हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। लेबर, बिल्कुल वहाँ पे लेबर होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं। फैक्ट्री, बिल्कुल ये तो चाहिए ही, फैक्ट्री रहेगा यानी कि मशीन्स रहेंगे हमारे पास, टूल्स होगा, इक्विपमेंट होगा, तभी उसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, प्रोडक्ट को रेडी कर पाएंगे। सो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड आयरन, डीजल, कोल और कॉटन। ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हालांकि हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था और देखा था कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मुख्य रूप से कॉटन पे बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कमर्शियल लैंग्वेज वन हु टेक्स लोन इज कॉल्ड, यानी कि जो लोन लेता है उसे क्या कहा जाता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उसे ऋणी बोलते हैं। सो उसे डोनेटर बोला जाता है, नहीं, डेबिटर बोला जाता है, यस, डेबिटर मींस क्या हुआ, जो ऋण लेता है। सो डेबिटर इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, दो ऑप्शन और है, ऑप्शन नंबर सी इज क्रेडिटर, ये तो नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। सो डेबिटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज नॉट अ सर्विस बिजनेस। अब देखिए, हमने दो तरह के बिजनेस पढ़े थे, सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर्विस बिजनेस में क्या होता है कि आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है,
और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इनमें से कौन सा सर्विस बिजनेस नहीं है? फर्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग में क्या होता है, क्या आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है? नहीं, आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, लोन का सर्विस, डिपॉजिट का सर्विस, विड्रॉल का सर्विस। सो बैंकिंग इज अ सर्विस बिजनेस, नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वहां पे रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट नहीं तैयार हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बिजनेस में क्या होता है, पेट्रोलियम में रॉ मटेरियल से, यानी कि ठीक है पेट्रोलियम एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो भी हो, पेट्रोलियम में क्या होता है कि पहले रॉ मटेरियल लाया जाता है, यानी जो कच्चा तेल होता है उसमें जो रिफाइन वगैरह प्रोसेस है उसका इस्तेमाल किया जाता है, देन पेट्रोल जो होता है हमारे पास एक्चुअली आता है वो प्रोड्यूस किया जाता है। सो पेट्रोलियम इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। सी और डी भी पढ़ लेते हैं। सी है क्लियरिंग, यानी जो क्लियरिंग का काम है ये क्या है, एज अ सर्विस है। अगर कोई आपके घर पर आके साफ कर रहा है, यानी कि जो भी है, तो वो आपको सर्विस दे रहा है ना। द फोर्थ वन इज एजुकेशन। एजुकेशन इज ऑल्सो अ सर्विस। एजुकेशन क्या है, एक सर्विस है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पेट्रोलियम इज नॉट अ सर्विस बिजनेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये भी देखिए इसी पे बेस्ड है। इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी जहां पे नया प्रोडक्ट रेडी हो रहा है? सो इंश्योरेंस, आपको पता है इंश्योरेंस एक सर्विस है। बैंकिंग, बैंकिंग इज ऑल्सो अ सर्विस बिजनेस। ब्रेड मेकिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ब्रेड मेकिंग का काम हो रहा है। सो ब्रेड मेकिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। काउंसलिंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। काउंसलिंग या कंसल्टेंसी सर्विस, ये सारा क्या है, सर्विस बिजनेस है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो एक बार आपको इत्मीनान से चारों ऑप्शंस को पढ़ लेना है, और सजेशन ये रहेगा कि हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि आपसे मात्र 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो 20 क्वेश्चंस आपको घबराना नहीं है, इसी पीडीएफ से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इत्मीनान से आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद टिक करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेड। इनमें से कौन सा ट्रेड का पार्ट नहीं है? फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक सेक्टर, बाइंग एंड सेलिंग, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक सेक्टर ट्रेड का पार्ट है, बाइंग एंड सेलिंग यानी कि चीजों को खरीदना और बेचना, ये भी ट्रेड का पार्ट है, एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट करना किसी भी प्रोडक्ट को, ये भी ट्रेड का पार्ट है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्या आ रहा है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी लग रहा है कि ट्रेड का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली हमने पढ़ा था कि ट्रेड क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ना कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि अगर मेरे पास एक लैपटॉप है और कल अगर मैं वो लैपटॉप को लेकर दिल्ली चला जाऊं पटना से, तो वो ट्रांसफर मैंने किया तो क्या वो ट्रेड हो गया, या मैं किसी को भिजवा दूं तो क्या वो ट्रेड हो गया? नहीं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, ट्रेड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, और जो आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन कौन से, हमने उस पर भी वीडियो बनाया है, और डिटेल में लगभग एक घंटा का वो वीडियो है, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया है, आप इजीली जाके एक्सेस कर सकते हैं। सो डिजाइन, यस डिजाइन इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सिंबल इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इमेज इज ऑल्सो अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। इन प्रोसेस इंडस्ट्री विच इज रेलिवेंट फैक्टर। प्रोसेस इंडस्ट्री में कौन सा रेलिवेंट फैक्टर है? सो इंग्रेडिएंट्स, यस जो इंग्रेडिएंट्स होगा वो एक रेलिवेंट फैक्टर है। जब इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होगा तो हम प्रोसेसिंग किस पे परफॉर्म करेंगे? ठीक है, इंग्रेडिएंट्स पे ही ना तरह तरह का हम प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट रेडी होकर आएगा। पार्ट्स ऑफ मटेरियल्स, बिल्स ऑफ मटेरियल्स, नो इंडिविजुअल यूनिट्स, नो। सो इंग्रेडिएंट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन बाय। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जब मैंने भी आपको पढ़ाया था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मुझे याद नहीं है शायद मैंने जिक्र किया था या नहीं कि उसे क्या कहा जाता है, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। आप लोगों को ये याद रहता है कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेगल साहब के द्वारा दिया गया था, लेकिन
किन्हीं को ये नहीं मालूम होता है कि उसे जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो आपसे 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जिन्हें 14 प्रिंसिपल्स पता होगा वो भी ये छोड़कर चले आएंगे। तो ध्यान ये देना है कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही चीज है। ओके, तो ये किनके द्वारा दिया गया था? हेनरी फेउल साहब के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑथर गैव 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को तो खैर हमने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंसलो टेलर साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बोलिए ये क्वेश्चन कोई पूछने वाली बात है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप में? तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑनर होता है, वही सारा टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, मैनेजिंग का काम, डायरेक्टिंग का काम, टोटल चीज वो कर रहा होता है, ठीक है, मार्केटिंग का काम। तो यहाँ पे मिनिमम पूछा जाए या मैक्सिमम पूछा जाए, मेंबर्स जब एक है तो मिनिमम और मैक्सिमम का सवाल ही नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर बी डेट इज 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर। एक जो कंपनी होता है वो रजिस्टर होना चाहिए किसके अंडर में? तो कंपनीज एक्ट के अंडर में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच टाइप ऑफ ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। किस तरह के ऑनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? जब हमने फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर हम बात करें पार्टनरशिप की और सोल प्रोप्राइटरशिप की तो इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। हाँ, आप करा सकते हैं लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता है। जैसे अगर हम पार्टनरशिप की भी बात करें तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बोला जाए तो एक तरह से जैसे आपका रेशियो होता है ना 50:50 का या 60:40 का, तो वो ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। जब रिटन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? रिटन पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था। तो आप चाहें तो रजिस्टर करा भी सकते हैं कंपनी को। अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो आप गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटी दिया जा रहा है उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो फिर कोई बात है ही नहीं। सो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कोई भी कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपकी कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इवन पब्लिक कंपनी के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी कंपलसरी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कैन नॉट बी डेलीगेटेड इन ऑफिस। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हमने जब दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि अथॉरिटी क्या होता है? डेलीगेट होता है ना, टॉप टू बॉटम, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। बट क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड होता है, आप इसे डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि मुझे कोई काम मिला है, अगर मुझे अथॉरिटी मिली है 1 करोड़ की कि आपको ये फंक्शन का अरेंजमेंट करना है, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है ही नहीं। नहीं, अगर मुझे अथॉरिटी गई है तो मुझे उसके इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और अगर फंक्शन के अरेंजमेंट में कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए पूर्णतया मैं जिम्मेदार हूँगा, रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा। अगर मान लिया जाए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है तो मैं उस अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता हूँ ना, मैं उस पैसे का मिसयूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस में होता है। हमने पढ़ा है डिटेल में इसे। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैनोट बी डेलीगेटेड इन अ ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर्टी है? फर्स्ट वन इज ओपननेस, यानी कि जो स्वतंत्रता होती है बिल्कुल एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ओपननेस होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज गोल डायरेक्टेड। यस, गोल डायरेक्ट, गोल के टुवार्ड्स क्या होना चाहिए? डायरेक्टेड होना चाहिए, यानी कि हमें गोल को क्या करना है? अचीव करना है। द नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल रोल डेफिनेशन। यस, हर एक जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उनका जो क्या टास्क है वो डिफाइन रहना चाहिए। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आपका हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TQM। तो TQM का मतलब क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है आपका, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ मेथड ऑफ सिलेक्शन, इनमें से कौन सा सिलेक्शन का मेथड नहीं है, किसे सिलेक्ट करने का, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने का। सो इंटरव्यू, यस इंटरव्यू इज अ सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ सिलेक्शन। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन से भी सिलेक्ट किया जाता है। आप लोग को पता होगा जब कंपनी हायर करती है तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन ही रखा जाता है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को क्या बाहर कर दिया जाता है, देन इंटरव्यू किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्रेड टेस्टिंग। यस ट्रेड के टेस्टिंग के हिसाब से भी, यानी कि कोई पर्सन अपने ट्रेड में कितना स्किल्ड है उसके हिसाब से हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ट्रेड यूनियंस डिमांड। बिल्कुल, हम ट्रेड यूनियंस डिमांड के अनुसार किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर मान लिया जाए कल को ट्रेड यूनियंस बोलने लगे कि ठीक है इस बंदे को आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो हम कैसे सेलेक्ट कर ले भाई, उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्ड होने चाहिए ना, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सो ये आपका ऑप्शन सही होगा कि हम लोग ट्रेड यूनियंस के डिमांड पे सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ सिलेक्शन। और देखिए, अगर आपको मान लिया जाए कभी एग्जाम में ऐसा हो कि नहीं समझ में आ रहा हो, तो आपको इलिमिनेशन मेथड अपनाना है ना, कुछ इस तरीके से कि इंटरव्यू तो नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यू से हम लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन भी नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन से भी सिलेक्ट किया जाता है, ट्रेड टेस्टिंग से भी सिलेक्ट किया जाता है, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग एग्जाम में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई मोरल लीड्स टू। हाई मोरल मीन्स जो मनोबल होता है, जब आपका मनोबल उच्च होता है तो वो किसकी ओर ले जाता है, हाई होप्स, हाई कंपटीशन, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई कॉन्फ्लिक्ट। तो जब आपका मनोबल ज्यादा होता है तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, सो हाई मोरल लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय हर्ट्जबर्ग, मॉस्लो, एमसी ग्रोगर, विक्टर ब्रूम। तो जो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो दिया गया है किसके द्वारा, स्टूडेंट मॉस्लो के द्वारा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा एक फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। सो बैलेंस शीट फिनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस ये फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑथर गैव एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कौन सा ऑथर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को दिया है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो ऑप्शन क्या है, विक्टर रूम, एमसी ग्रोगर, हर्ज़बर्ग और मॉस्लो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट कि कंफ्यूजन स्टूडेंट में बहुत ज्यादा होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे जो नेम आपको दिए गए हैं टोटल, ये सारे का नेम किसी ना किसी थ्योरी से रिलेटेड है। लाइक आप विक्टर रूम की बात करें तो इसका खैर करेक्ट ऑप्शन विक्टर रूम होगा। ठीक है, विक्टर रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था। अगर आप डॉगलस एमसी ग्रोगर की बात करें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इन्होंने भी एक थ्योरी दिया है, देखिए मैं भूल रहा हूँ अभी, याद नहीं है। हर्ज़बर्ग साहब की बात करें तो इन्होंने भी थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन दिया है। मॉस्लो साहब ने नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया है। तो आपको इन चारों के नेम और इनके जो थ्योरी दिए गए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन बार बार एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, बेसिकली कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी कि जब आप जॉब पे होते उसी समय आपको टूल्स, इक्विपमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे हैं उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। सो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। तो जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट था वो 1948 में लागू हुआ था, सो 1948 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज अ सर्विस बिजनेस, इनमें से कौन सा सर्विस बिजनेस है, बताइए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। चलिए, टेक्सटाइल बिजनेस। टेक्सटाइल बिजनेस क्या है, यहाँ पे टेक्सटाइल बनाया जा रहा है, सो ये क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। काउंसलिंग बिजनेस, ये क्या हो गया, यहाँ पे काउंसलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, सो ये सर्विस बिजनेस है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लीदर बिजनेस, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। वुड बिजनेस भी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, अच्छा ये भी है, 59 भी है।
विच अमंग दीज इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अच्छा, इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। देखिए, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो लगातार पूछा जाता है आपको सर्विस बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अंतर करना आना चाहिए, और ये बहुत ही ईजी है। प्लास्टिक कंटेनर मेकिंग, इसमें क्या किया जा रहा है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, सो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। स्मार्टफोन मेकिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। हेयर ड्रेसिंग बिजनेस, हेयर ड्रेसिंग में क्या किया जा रहा है, क्या हेयर को बनाया जा रहा है, नहीं, यहाँ पे हेयर को ड्रेस किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, ये सर्विस बिजनेस है ना, आपके बालों को सुसज्जित किया जा रहा है, तो ये क्या है, एक सर्विस है। आप सलून में जाते हैं लाइक, तो वो क्या है, एक सर्विस बिजनेस है, आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप उसे उसके बदले में क्या देते हैं, उसे इंसेंटिव देते हैं, पैसे देते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, कैंडी मेकिंग बिजनेस, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ, इकोनॉमिक सेक्टर किसका पार्ट है, इंडस्ट्री का, ट्रेड, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो इकोनॉमिक सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, मीन्स इसके बिना एग्जाम होता ही नहीं है, इधर 4 मार्क्स में पूछा जाए या 6 मार्क्स में पूछा जाए। हालांकि 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे, हम लोग उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे विथ आंसर और पीडीएफ भी दिया जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। ग्लोबलाइजेशन पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो आई होप आपने वो वीडियो देख रखा होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है ना, एक देश से दूसरे देशों के बीच दूरियां कम हो गई है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, यस ये भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल है। लॉ, नए नए लॉ आए हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसेस इंडस्ट्री हैज प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस एज कंटिन्यूअस इंडिविजुअल यूनिट, पार्ट्स ऑफ मटेरियल्स, बिल्स ऑफ मटेरियल्स। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस, दैट इज प्रोसेस इंडस्ट्री हैज प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस एज कंटिन्यूअस, और ये हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रोसेस इंडस्ट्री में, दैट इज लेक्चर 1.1 में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया था फ्रेडरिक वेंसलो टेलर साहब के द्वारा, क्वेश्चन इधर उधर करिए पूछा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 14 principles ऑफ मैनेजमेंट आर गिवेन बाय, 14 principles ऑफ जो मैनेजमेंट दिया गया था, डेट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, किनके द्वारा दिया गया था, मॉस्लो के द्वारा, एफ डब्ल्यू टेलर, डेविड रिचार्ड, हेनरी फ्योल, क्या होगा, हेनरी फ्योल होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर रिक्वायर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, आपसे पहले मिनिमम पूछा गया था, अब मैक्सिमम पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, कि सोली एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, एक सिंगल ओनर है, तो मैक्सिमम पूछा जाए या मिनिमम पूछा जाए, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कहने का मतलब है कि जिस ऑप्शन की संख्या 1 होगी वो सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर, तो जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं, डेट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट व्हेन, सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा है, यानी सबसे अच्छा है जब नो कैपिटल इज इन्वेस्टेड, कोई भी पूंजी नहीं लगाया जाए, तो बिना पूंजी के बिजनेस तो स्टार्ट हो नहीं सकता है। फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड, जब आप कम पूंजी के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, यस मे बी ऐसा हो सकता है। टू मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड, नहीं, जब बहुत ज्यादा कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अकेले कैसे बिजनेस को मैनेज कीजिएगा। वर्क एरिया इज एक्सपेंडेड, नो। सो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या है, व्हेन फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड, व्हेन सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव 1 boss, 2 boss, 3 boss और 4 boss। तो हम लोगों ने पढ़ा था जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में यूनिटी ऑफ कमांड, और यूनिटी ऑफ कमांड का ये प्रिंसिपल था कि एवरी एम्प्लॉई हैज ओनली 1 boss, यानी कि हर एक एम्प्लॉई को ऑर्डर जो है वो एक ही बॉस से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे होगा एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव 1 boss। हालांकि हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने देखा था कि एक एम्प्लॉई का कैसे 2-2 बॉस हो सकता है, हालांकि वो यूनिटी ऑफ कमांड के नियम को फॉलो करता है,
ठीक है, लेकिन कैसे हो सकता है उसे जानने के लिए आप जाकर देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला वीडियो। ओके सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे क्या होता था कि जैसे एक एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट में है तो डिपार्टमेंटल हेड तो उसका बॉस है ही, साथ में उस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग टेम्पोररी डिवीजन बनाया जाता था और उस डिवीजन का एक डिविजनल हेड होता था। तो इस तरह प्रकार से दो बॉस होते थे, हम उसमें ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंश्योर्ड बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या इंश्योर किया जाता है? सो ग्रेटर इफिशियंसी, बिल्कुल। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, यस, हर एक ऑपरेशन का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ लेबर, यस, जितने भी काम हैं सारे का डिवीजन होना चाहिए, छोटे छोटे काम होने चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डेट इज ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डेवलप्ड इन जापान। तो ये हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ठीक है। CPM नहीं, PERT नहीं, काइजेन, यस, जो काइजेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है स्टूडेंट, ये जापान में डेवलप किया गया था। और थोड़ा नेम से भी आपको लग रहा है ना काइजेन, ये एक व्यक्ति के नेम पे रखा गया, हम लोग पढ़ेंगे ठीक है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है? फर्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ना, एडवर्टाइज करके क्या किया जाता है, एम्प्लॉई को हायर किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये भी एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी स्टूडेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं होगा। फोर्थ वन इज सोशल मीडिया, यस, आजकल सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाला जाता है ना, जैसे लिंक्डइन आप देख लीजिए, लिंक्डइन क्या है, सोशल मीडिया ही है ना, वहां पे क्या किया जाता है, जॉब के ओपनिंग्स डाले जाते हैं, तो वहां से भी क्या किया जाता है, एम्प्लॉई को हायर किया जाता है। बट कंसल्टेंसी इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई मोरल लीड्स टू, अब ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था, हाई मोरल मीन्स जो उच्च मनोबल होता है, उससे हमें क्या ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, यस, हमें ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन, यस, जब हम काम कर रहे होते तब भी हम सेटिस्फाइड होते हैं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी हमें मिलता है, सो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गैव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन। देखिए जैसा हम कर रहे थे कि इन चारों का नेम जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आप मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन की बात करें स्टूडेंट, तो ये दिया गया था, आप ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट वन है मास्लो, सेकेंड है हर्जबर्ग, थर्ड है एमसी ग्रोगर, डॉगलस एमसी ग्रोगर इनका फुल नेम है, और विक्टर रूम। तो ये चारों ऑप्शन जो है स्टूडेंट, ये आपस में इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है ये बताइए आप, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, मास्लो देखा, इन्होंने दिया था नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, है ना। विक्टर रूम का क्या हमने देखा, देखिए हम भूल गए, अभी जस्ट हमने देखा है विक्टर रूम का, इन्होंने क्या दिया था, एक और थ्योरी दिया था, चलिए हटाइए। और डॉगलस एमसी ग्रोगर का अभी हमने नहीं देखा है। तो थ्योरी ऑफ हाइजीन किन के द्वारा दिया गया है, हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग दीज इज अ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा फिनेंशियल स्टेटमेंट है? जर्नल, जनरल जर्नल इज नॉट अ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक तरह का पेपर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ फिनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, वॉचर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑथर डेवलप्ड थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन। देखिए फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया कि थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन किनके द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब फिर से यही चारों ऑप्शन दिया गया है ना, क्या है, डॉगलस एमसी ग्रोगर, विक्टर रू, मास्लो, हर्जबर्ग। तो डॉगलस एमसी ग्रोगर के द्वारा क्या डेवलप किया गया था, थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन। ओके, सो इन चारों के बारे में आपको पता चल गया, आप एक बार इन चारों का नेम लिख लीजिए, इन चारों के द्वारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरी बताए गए हैं वो लिख लीजिए और इनको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रेंटिसशिप इज, अप्रेंटिसशिप क्या होता है? तो अप्रेंटिसशिप आप सभी को पता होगा वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है ना, आप लोग शायद किए भी होंगे फाइनल ईयर में, आप में से कई लोग अप्रेंटिसशिप है ना, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी कि जॉब में ही आपको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, साथ में आपको कुछ स्टाइपेंड भी
प्रोवाइड किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट वॉज इनएक्टेड इन। जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था स्टूडेंट, वो कब लागू किया गया? ओके तो यहाँ पे तो ऑप्शन में खैर आपको ईयर प्रोवाइड किए गए हैं, तो थोड़ी सी आसानी है। कहीं कहीं पे क्या किया जाता है कि डेट से डिफरेंस कर दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे डेट भी याद रखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वॉज इनएक्टेड इन 5 मार्च 1923। कब हुआ था? 5 मार्च 1923। सो 1923 इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें क्या किया जाता है, 1 मार्च 1923, 2 मार्च 1923, 1 अप्रैल 1923, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफी सारे लोग 1 अप्रैल को टिक कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा एक्ट क्या होता है ना, 1 अप्रैल से जब नया सत्र स्टार्ट होता है तब से लागू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 5 मार्च 1923 को इनएक्ट हुआ था। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज। और ये क्वेश्चन काफी तरीके से पूछा गया है, आपको एकदम रट लेना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ, यानी कि ये गवर्न्ड किया जाता है किसके प्रोविजन में? हम लोग पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप में कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। बिल्कुल नहीं, ऑटोक्रेटिक में तो इंडिविजुअल के पास होता है ना, कुछ लोगों के पास सेंट्रलाइज्ड होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप नहीं, डेमोक्रेटिक भी नहीं होगा, डेमोक्रेटिक में भी कंप्लीट फ्रीडम नहीं दिया जाता है। लाइसेज फेयर लीडरशिप, यस ऑप्शन नंबर बी होगा, या इसे बोला जाता है रेन फ्री लीडरशिप। ठीक है, तो रेन फ्री लीडरशिप हो या रेसेज फेयर लीडरशिप हो, आपको ऑप्शन नंबर बी ये टिक करना है। इसमें क्या किया जाता है कि सबॉर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो जो डिसीजन मेकिंग करना चाहें कर सकते हैं, उनको पूरी अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस इज, बिजनेस में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट ऑप्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि एक बिजनेस में काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं वो मायने रखते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें तो रिस्क है, ब्लैक मार्केटिंग है, प्रॉफिट है, ऑल ऑफ द अबव। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? रिस्क है, है ना। हर एक बिजनेस में आपको रिस्क को कंसिडर करके चलना होता है, लेकिन अगर साथ में आपको दे दिया जाए एचआर, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स दे दिया जाए या पीपल दे दिया जाए, तो आपको पीपल को टिक करना है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे कर पाएगी? रोबोट से तो नहीं कराएगी, है ना। तो आने वाले समय में देखा जाएगा, अभी की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट की लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रियल ऑनर कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिनांसर, शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के असली ऑनर होते हैं। पूरे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नहीं, अपने शेयर्स जिन्होंने उतने खरीदे उनके वो क्या होते हैं? ऑनर होते हैं। वो अपने शेयर को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन इज नॉन एज, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है और ऑपरेट किया जाता है सोसाइटी को गुड्स यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन, ताकि मुनाफा कमाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। सिंपल सा बिजनेस का डेफिनेशन लिखा गया है, आपको बिजनेस को टिक कर देना है। The next question is which of the following character is essential for a leader? इनमें से कौन सा character leader के लिए essential है? First one is presence of the follower. Yes, follower का क्या होना चाहिए? Presence होना चाहिए, है ना, यानी जो भी उसके follower हैं वो उसको जब वो यानी कि जब वो leader बोल रहा हो तो सारे लोगों का नज़र उस पर होना चाहिए।
नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ द फॉलोवर। जब वो अपनी बात रखे तो उसके जो भी फॉलोवर्स हों वो उस बात को अप्रूव करें, हामी भरे अपनी। नेक्स्ट है सेम इंटरेस्ट, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑल ऑफ द एवर्ब, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, यानी कि किस बिजनेस फॉर्म में, किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एफर्ट्स में और अवार्ड में, यानी कि आप एफर्ट लगाते हैं और आपको डायरेक्टली रिवॉर्ड मिलता है, तो वो होता है स्टूडेंट, हम लोग पढ़ चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि इसमें एक सिंगल ऑनर होता है, आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एफर्ट में और रिजल्ट में, दैट इज रिवॉर्ड में, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज मैक्सिमम सेक्रेसी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ऑनर होता है, तो यहाँ जो सेक्रेट होते हैं वो सिर्फ उसी के पास होता है, वो अपने सेक्रेट को किसी के साथ साझा नहीं करता है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी एनालिसिस एंड ई ओ क्यू टेक्निक आर। तो हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ये दोनों इन्वेंट्री कंट्रोल है, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। बोथ टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, यस। ओनली एबीसी इज मोर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, नहीं। लीफो एंड फीफो आर इक्वली इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, नहीं। ऑल ऑफ द अबव आर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए यहाँ पे अगेन कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, और जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहेंगे क्योंकि ऑप्शन काफी बड़ा बड़ा दिया हुआ है वो पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। लेकिन मैं बार बार आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको 15 से 20 सेकंड का समय देना है, पढ़ लेना है चारों ऑप्शन को, देन आपको टिक करना है, ओके। सो एबीसी एनालिसिस और ईओक्यू टेक्निक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये दोनों इन्वेंट्री कंट्रोल है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए सही है कि बोथ टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, बस लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑल द एबव आर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो हम लोग पढ़ेंगे लीफो फीफो, ये सब भी क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक्स है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ओनली एक ऑप्शन ही चूज करना है, अगर आप लिख दीजिएगा डी और ए तो आपका फिर गया, वो आपको जीरो मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग, एक बजट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है जो कि बताता है फोरकास्ट ऑफ द फिनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस में फिनेंशियल एक्टिविटीज होने वाला है उसका पूर्वानुमान बताता है। इट इज एन एस्टिमेट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, ये एक एस्टिमेट होता है एक स्पेसिफिक डिजायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए। इट इज अ पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, ये किसी एंटरप्राइज का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, नन ऑफ दीज। तो हम लोग पढ़ चुके हैं बजट क्या होता है, एस्टिमेशन होता है ना, एक एस्टिमेशन होता है कि हमें इस गोल तक पहुंचने के लिए टोटल इतने बजट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज एन एस्टिमेट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, फोरकास्ट नहीं होता है, हम लोग फोरकास्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 51% शेयर्स आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जब 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हैंड में रहता है तो हम उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। Why? Because maximum share, यानी कि ज्यादा शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, 51% शेयर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 49% शेयर्स अदर के पास है, तो वहां पे जो पावर में होगा वो कौन होगी, गवर्नमेंट। सो इसे क्या बोला जाएगा, सेमी पब्लिक नहीं, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, अथॉरिटी एंड पावर आर सेम, ये तो सरासर गलत है, हम लोगों देख चुके हैं जब हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े थे, तो अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि अथॉरिटी एंड पावर आर नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। अथॉरिटी गिव्स पावर, अथॉरिटी पावर देता है, नहीं। पावर गिव्स अथॉरिटी, यस, पावर गिव्स अथॉरिटी। अब कैसे, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वो वीडियो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, ठीक है।
पावर क्या होता है, आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि विदाउट अथॉरिटी आपके पास पावर हो सकता है। ठीक है, पावर बेसिकली क्या होता है कि आप अपने जो कलीग्स हैं या आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी बात पे, है ना। तो वो आपके पास ये एक पावर है, तो वो विदाउट अथॉरिटी भी हो सकता है, लेकिन जब आपके पास अथॉरिटी आ जाती है तो वो एक लेगिटिमेट पावर हो जाता है, वो एक वैध पावर हो जाता है, जिससे आप अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको आप टास्क असाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप उस वीडियो में जाके डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनमें से किसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, यस। स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना क्रिएट करना होता है एनुअली, गवर्नमेंट का रूल है ये, जिसमें वो अपने टोटल स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स बताते हैं, टोटल कितना इनकम हुआ उनका, ठीक है, और टोटल जो जो उन्होंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, सारी चीजों के बारे में इसमें जानकारी होती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पार्टनरशिप फर्म रिटन डीड इज प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हमने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म में दो तरीके से पार्टनरशिप हो सकता है, एक तो ओरली, दूसरा रिटन। जब रिटन होता है तो उसे रिटन डीड कहा जाता है, जो कि लीगल वैलिड होता है ना। चलिए, सो रीजन क्या है, सो डैट इट मे बी रेफर्ड टू इजली इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। यस, अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो आप रिटन डीड को रेफर कर सकते हैं कि उसमें क्या बातें लिखी हुई, आपको ये मानना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज, इट मे बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यस, जब आप रिटन डीड कर रहे हैं तो ये कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जो है इन्फोर्स्ड आपको किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉफिट एंड लॉस मे बी सेटल्ड इजली बाय पार्टनर्स। यस, जब आपके पास रिटन डीड है तो जब प्रॉफिट होता है तो बेसिकली कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब लॉस होता है तो आपका जो रेशियो होता है जिसमें आपने पार्टनरशिप किया है उसके हिसाब से आपको लॉस को भी सहना पड़ता है। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं तो इजिली सेटल किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पे बात हो रही है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर डूइंग ए जनरल बिजनेस इज। अगर आप कोई एक जनरल बिजनेस करना चाहते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट है आपका 7, सेकेंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है आपका 15 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 10। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका पूछ क्या रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना हो सकता है, तो 20 आपको टिक करना है। हालांकि हमने पढ़ा था जब पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट तो वहां पे देखा था कि मैक्सिमम नंबर कितना था, 50 था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्शन था इसे हमने दूर किया था वहां पे। यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और हमने देखा था कि 2013 में कंपनी एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर डूइंग जनरल बिजनेस कितना हो गया है, बढ़कर 50 हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग या ऐसे ही पूछा जाए तो आपको 20 मारना है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक आपसे ये कंफर्म नहीं कर दिया जाए कि आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज रिलेटेड विद। तो आपको ये पता है कि ये रिलेटेड है किससे, मोटिवेशन से, है ना, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लीडर गाइड्स बिकॉज ऑफ, एक लीडर गाइड करता है बिकॉज ऑफ, उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके पास पावर होती है, वो अपने सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ मोनिटरिंग कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग इज कॉल्ड, यानी कि मोनिटर करना, कंपेयर करना और करेक्ट करना। तो जब हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किसमें, बताइए, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, किसमें होगा, कंट्रोलिंग में हमने देखा था कि क्या किया जाता है, पहले तो मॉनिटर किया जाता है जो टास्क हमारा परफॉर्म हो रहा है उसे एनालाइज किया जाता है, देन कंपेयर किया जाता है, और अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसे करेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ऑफ फ्लो ऑफ वर्क शुड बी सॉल्वड बाय। अगर फ्लो ऑफ वर्क में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कौन दूर करेगा, क्लर्क, ऑफिस मैनेजर, गवर्नमेंट, सोसाइटी? तो ऑफिस मैनेजर उसे ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैम इनटू फोर्स इन। देखिए, एक तो आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट कि जितने भी ये सारे एक्ट हैं ये बार बार आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो जितने भी एक्ट आपको पढ़ाए गए हैं मैनेजमेंट के वीडियोज में, सारे एक्ट को आप एक जगह पे लिख लें और कब कब ये लागू हुए थे, या अगर किसी में अमेंडमेंट हुआ है और पूछा जा रहा है तो आप उसे लिख लें और इसे दिमाग में फिट कर ले, तब एग्जाम देने के लिए जाए आप। तो आपको ध्यान देना है कि गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो है वो फोर्स में आया था, उस दिन से ये लागू किया गया था। हालांकि इसमें डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ईयर दिया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड इन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जा सकता है, फुल सीक्रेसी मेंटेन किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोफेशनल इथिक्स इज अ टाइप ऑफ। प्रोफेशनल इथिक्स क्या है, गाइडलाइंस है? नहीं। जनरल रूल्स है? नहीं बिल्कुल। मोरल रूल्स है, यस। ये एक नीति एक तरह से इसको कर सकते हैं ना, जो प्रोफेशनल इथिक्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैनेजर मल्टीप्लाइज हिमसेल्फ थ्रू। एक मैनेजर खुद को मल्टीप्लाई करता है किससे, कोऑर्डिनेशन से, डेलीगेशन, कोऑपरेशन, नन ऑफ दीज। तो ये देखिए काफी बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है और काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए पूछा जा रहा है ए मैनेजर मल्टीप्लाइज हिमसेल्फ थ्रू, एक मैनेजर खुद को मल्टीप्लाई कर लेता है, यानी कि एक तरह से बोले तो अपने वर्क डन को वो बढ़ा लेता है ना, वर्क करने की क्षमता को बढ़ा लेता है। कैसे, कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से, डेलीगेशन से? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डेलीगेशन होगा। कैसे डेलीगेशन से करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसमें क्या होता है कि एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को, जो मैनेजर का टास्क होता है उसको डिवाइड करके अपने कई सारे सबॉर्डिनेट्स में बांट देता है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो मैनेजर को कुछ कामों से छुट्टी मिल जाती है तो उसके जगह पे वो कोई और डिसीजन मेकिंग का टास्क या कोई और जो इम्पॉर्टेंट टास्क है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो परफॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब मैनेजर यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, खुद के काम को एक तरह से बोले तो वर्किंग पावर को बढ़ा रहा है। ओके, सो डेलीगेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who introduced the term entrepreneur first in economics? यानी कि economics की दुनिया में, अर्थशास्त्र के दुनिया में सबसे पहले entrepreneur का जो term, जो word किन्होंने use किया? यहाँ पे option पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। Option दिया हुआ है J.B. से, second option is A. Marshall, third option is Richard Cantillon and J.A. Schumpeter. तो यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट, जो ऑप्शन नंबर ए है डेट इज J.B. से, और इनका पूरा नाम था कुछ ऐसे जीन बेप्टाइज कुछ ऐसे करके, ठीक है, जीन बेप्टाइज से। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी दे दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ याद कर रहे हैं किसी ऑथर का नेम या कुछ भी ऐसा, तो उनका पूरा नाम याद रखें। अगर शॉर्ट नेम दे दिया जाए तब तो आप मार ही सकते हैं, ठीक, लेकिन अगर आपने फुल नेम नहीं पढ़ाया और शॉर्ट नेम की जगह फुल नेम दे दिया जाए तो मे भी आपसे जो है वो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इनका आप एक बार फुल नेम देख लें, जीन बेप्टिस करके कुछ ऐसे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंडिकेट्स द टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा फॉलोइंग पेयर इंडिकेट करता है दो बेसिक कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप का? फर्स्ट वन इज इनोवेशन एंड मोटिवेशन, इनोवेशन एंड थ्रिल, इनोवेशन एंड रिस्क बियरिंग, इनोवेशन एंड इन्वेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन है ना, नया जो चीज आता है यानी कि इनोवेशन, कुछ नया हुआ है, और रिस्क बियरिंग की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और वो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास रिस्क बियरिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है ना, रिस्क है।
आगे नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SIDBI। ध्यान देना है IDBI अलग है और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये अलग है। तो ये कब सेटअप हुआ था? तो आप इसको IDBI वाले से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ये डेवलप हुआ था स्टूडेंट कहाँ गया ऑप्शन 1980, 1990, 1991, 1985। तो काफी इजीली आप लोग टिक कर सकते हैं 1990 में क्या हुआ था, ये सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज, किसी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, अनलिमिटेड या लिमिटेड होती है? तो कोई भी कंपनी, ठीक है, हर एक कंपनी, देखिए कंपनी और जो हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप, ये अलग अलग है, कंपनी अलग है। सो हर एक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उनका जो काम है, उनका जो टास्क है वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप अनलिमिटेड लायबिलिटी किसी पे नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अडॉप्टेड इन स्टडिंग मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए इनमें से कौन से अप्रोच को अडॉप्ट किया गया? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोसेस। तो प्रोसेस तो है ही, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, हमें पता है, और मैनेजमेंट प्रोसेस हमने एज अ यूनिट पढ़ा है, मैनेजमेंट प्रोसेस के फंक्शन को पढ़ा है। द नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन, नो मैनेजमेंट में हमने प्रोफेशन का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। साइंस, यस मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट, हमने पढ़ा है ना, आर्ट भी है, तो यहाँ पे प्रोफेशन हो जाएगा, प्रोफेशन को अडॉप्ट किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, देखिए जिसकी मैंने चर्चा की थी वहां पे, ठीक है, जहां पे क्या था रिस्क वाला जो ऑप्शन था, देखिए भूल गए क्वेश्चन हम, क्या क्वेश्चन था वहां पे, क्वेश्चन था आपका कि हाँ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमने रिस्क टिक किया था। तो हमने आपको बताया था कि ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मनी, यानी कि सबसे प्रीसियस पार्ट क्या है, अगर आप मान लिया जाए ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं तो आपके लिए सबसे प्रीसियस पार्ट क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जो मैन एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं, जो आपका फैक्ट्री प्लांट है, जो मशीन्स है वो, या जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग बना हुआ है वो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, जो मैन है, वो मोस्ट प्रीसियस पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। सो आपको हर बार अगर मैन ऑप्शन में रहे तो आपको मैन टिक करना है, ठीक है, और नहीं रहे तो फिर आपको बस वही मोस्ट सुइटेबल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सब्जेक्ट टू सुपरविजन एंड कंट्रोल बाय अ सर्टेन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने पढ़ा था कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है स्टूडेंट, वो किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, उसका सुपरविजन किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, ठीक है, ताकि जो करप्शन वगैरह नहीं हो रहा हो उसमें, क्योंकि फंडिंग भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एन इन्वेंटर एंड इनोवेटर, किन्होंने इन्वेंटर और इनोवेटर के बीच में जो है वो डिफरेंस बताया था। अब देखिए बेसिकली इन्वेंटर और इनोवेटर क्या होता है, इन्वेंटर मतलब हुआ कि किसी ने एक नए कॉन्सेप्ट का खोज किया, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं या कोई प्रोडक्ट बोल सकते हैं, किसी भी चीज को बनाया वो है इन्वेंटर। और इनोवेटर क्या है कि किसी कॉन्सेप्ट को उसने क्या किया, डेवलप किया, मीन्स कॉन्सेप्ट पहले से था, हमने उसमें कुछ और चीज़ों को ऐड किया या हम किसी प्रोडक्ट को और अच्छा बनाए, तो जैसे हम इनोवेटर हो गए, है ना। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स क्या थे, इनोवेटर थे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें जैसे बल्ब का किन्होंने इन्वेंट किया, जैसे अगर हम एडिसन की बात करें तो वो क्या था, इन्वेंटर था, ठीक। आई होप आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। तो आखिर ये डिफरेंस बनाया किसने, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन था वो किन्होंने बताया, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, रिचार्ड कैंटिलॉन, जेबी से तो नहीं होगा, हम लोगों ने देख लिया एक ऑप्शन, हो भी सकता है जे ए स्कूम पीटर, नन ऑफ दिस। तो ये जो जे ए स्कूम पीटर है, क्या नेम है आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्होंने बताया कि इन्वेंटर और इनोवेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, द
The next question is the starting point of all business activity is, यानी कि सारे जो business activities होते हैं उनका starting point क्या होता है, तो evaluation, shopping, product, transporting, तो हर एक business activity का starting point क्या होता है, evaluation, पहले हम evaluate करेंगे, estimate करेंगे, तभी किसी काम को start करेंगे. Next question is which one of the following reduces the gap between capacity to work and willingness to work, यानी कि इनमें से कौन सा capacity to work यानी जो कार्य करने की क्षमता है किसी employee की and willingness to work यानी कि जितना वो काम करना चाहता है यानी जितनी उसकी इच्छा है इसके बीच में gap को कम कर देता है. बात को समझ रहे हैं आप, यानी कि जैसे मान लिया जाए मेरी ये क्षमता है कि मान लिया जाए हम 15 घंटा पढ़ सकते हैं एक दिन में, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हम 5 घंटा ही पढ़ेंगे, तो इसके बीच में जो गैप है इसको कौन दूर करेगा. आप लोग सभी अच्छे तरीके से जानते हैं लीडरशिप, लेबर टर्नओवर, मोटिवेशन या नॉलेज, तो मोटिवेशन क्या करेगा, इसके बीच के गैप को फिल कर देगा. अगर आप थोड़ा सा एक दो मोटिवेशनल वीडियोज देख लीजिएगा, है ना, तुम कर सकते हो या जो भी हो, मतलब कि बहुत अच्छा अच्छा मोटिवेशनल वीडियो आता है, तो उससे क्या होता है कि हमें एक तरह से एनर्जी मिल जाती है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, हमारा जो विलिंगनेस टू वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गैप कम हो जाता है. आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल विदाउट एनी पावर, अगर हम किसी पीपल को किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दें विदाउट एनी पावर, उसको अथॉरिटी कुछ भी ना दें हम, तो ये बहुत अच्छी बात है, इट इज हेल, इट इज हेवन, वाह स्वर्ग है, या नन ऑफ दिस, तो इट इज हेल, ये ध्यान देना है. अगर आपको ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि ठीक है तुमको ये काम करना है, और आपको कुछ अथॉरिटी ही ना दे, आप किसी को टास्क नहीं दे सकते हैं, आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो कैसे आप सारी चीजों को मेंटेन कीजिएगा, है ना. तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, साथ साथ अथॉरिटी भी दिया जाना चाहिए, जो कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच एक्ट अ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, किस एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक बिजनेस को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है ये. ऑप्शन क्या क्या है पढ़ते पहले, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. पूछा क्या जा रहा है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एसेंस क्या है, यानी कि मैनेजमेंट का एक तरह से हम बोले तो अर्थ क्या है, इसका सार क्या है. तो अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, हालांकि हमने बहुत ज्यादा चर्चा मैनेजमेंट पे किया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं. मैनेजमेंट मीन्स हुआ एक तरह से ना मैनेज करना, एक दूसरे के साथ मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना, कोऑर्डिनेशन की भावना, है ना, आपसी सर्वसम्मति की भावना. सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो बेसिक एसेंस है, जो सार है, वो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि आपस में सहयोग की भावना के साथ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना है, और उसके लिए सारे लोग मिलके टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोफेशन इज अ काइंड ऑफ, प्रोफेशन क्या है, सर्विस है, नहीं सॉल्यूशन है, नहीं वोकेशन हो सकता है, नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है आपका वोकेशन, डेट इज वोकेशन मतलब होता है एक तरह से प्रोफेशन ही होता है, आप लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. ठीक है, वोकेशन मतलब बोल सकते हैं व्यवसाय, व्यवसाय तो नहीं बोल सकते हैं, क्या बोला जाए, देखिए जैसे होता है ना वोकेशनल कोर्स वगैरह कराया जाता है कॉलेजेज में, पेशा बोल सकते हैं आप, हाँ वोकेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं. स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्टाफिंग किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने जब पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो उसमें देखा था कि लोअर मैनेजमेंट का है, मिडिल मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का, तो खैर होगा ही नहीं, ऑल ऑफ देम. तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, दो को तो पहले ही एलिमिनेट आप लोग कर दीजिएगा इलिमिनेशन मेथड से, लोअर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट.
तो मिडिल मैनेजमेंट पे कौन होता है? मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, है ना। तो ये स्टाफिंग थोड़े करेंगे, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे होते हैं उनका काम होता है रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्लेसमेंट करना। ओके, सो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, स्टाफिंग परफॉर्म करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टाफिंग एक्टिविटी के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए फिर से एक एक्ट आ गया, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज अमेंडेड इन ईयर। अभी हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वो हमने देखा। अब ये पूछा जा रहा है कि कब उसमें अमेंडमेंट हुआ था, है ना। क्या बोला जाता है? अमेंडेड बोला जाता है ना। अमेंडेड मीन्स होता है कि संशोधन, है ना, कि उस एक्ट में, उस कानून में क्या हुआ, कुछ संशोधन किया गया, या तो कुछ रूल्स को चेंज किया गया मीन्स मॉडिफिकेशन, या कुछ नए रूल्स को ऐड किए गए, वो होता है अमेंडमेंट। ठीक है, जैसे अभी आया था ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हालांकि पता नहीं लागू हुआ है नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से नहीं है पता मुझे। तो ये कब हुआ था स्टूडेंट, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 1992, 1993, 1994 एंड 1995। तो ये हुआ था 1993 में, आपको ध्यान रखना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्ट और उसके ईयर को लिख लीजिए, अगर अमेंडमेंट हुआ है कहीं भी तो उसको भी आप लोग लिख लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आर, जो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड होते हैं, और देखिए ये थोड़ा गलत देखा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के, वो क्या होते हैं? अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग डायरेक्शन, इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, इलेक्टेड बाय डिवेंचर होल्डर्स, नन ऑफ दीज। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किस शेयर होल्डर का कितना परसेंट शेयर है, यानी कि हर एक शेयर होल्डर एक ही वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा ज्यादा शेयर है तो हम दो वोट देंगे, उसका ज्यादा शेयर है तो तीन वोट देगा, जिसका कम शेयर है वो एक, जिसका और कम है वो देगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर एक शेयर होल्डर एक वोट दे सकता है और उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोटिवेशन इज एन एलिमेंट ऑफ, मोटिवेशन एलिमेंट है किसका? प्लानिंग फंक्शन का, डायरेक्टिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, नन ऑफ दी। तो हमने पढ़ा था मोटिवेशन किस में आता है, डायरेक्टिंग में आता है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटरप्रेन्योर हेल्प्स इन, एंटरप्रेन्योर हेल्प्स करते हैं किस में? एक्सपोर्ट रिडक्शन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए, देखिए नेम से पता चल रहा है ना, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको सब्सटीट्यूट कर दें। ओके, मीन्स जैसे देखिए एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उद्यमी, वो क्या करते हैं, जो उद्यम की मांग है अभी उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट को रेडी करते हैं या ऐसे सर्विस को देते हैं, जो हम सर्विस तो नहीं बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्री से या दूसरे जगह से। तो इससे क्या होता है कि हमें वो इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा खुद का वो मैन्युफैक्चर होकर के हमारे कंट्री में ही आता है, तो उसे क्या बोला जाता है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट बोला जाता है, यानी हम जो इम्पोर्ट कर रहे थे उसको हमने यहीं पे सब्सटीट्यूट कर दिया। और जिसको अभी बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, है ना, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, जो इम्पोर्ट होता है उनको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल इंडस्ट्रीज इज, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं उनमें कोई कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसकी भी लिमिट है। ठीक है, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, कानून होता है। तो ऑप्शन इज 3 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ और 4 करोड़। तो 1 करोड़ एनी बडी कैन इन्वेस्ट इन अ स्मॉल इंडस्ट्री। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ऑन प्रोफेशनल, ये क्या है? ऑप्शन है रूल्स, एथिक्स, लॉज, रिलीजन। ये क्वेश्चन, एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ऑन प्रोफेशनल, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक प्रोफेशन का एक अपना प्रोफेशनल होता है, ये तो किसी तरह का रूल्स नहीं है, लॉज भी नहीं है, रिलीजन नहीं है, इथिक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए आप इलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, ये तो कोई रूल्स है ही नहीं,
पहली बात तो ना ही कहीं किसी तरह का कानून है, ना ही ये किसी प्रकार का धर्म है, तो इथिक्स होगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो चूज करना ही करना है, ठीक है। अब इथिक्स का मतलब क्या होता है? इथिक्स का मतलब बेसिकली होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है, नीति एक तरह से बोल सकते हैं ना, जो कानून नहीं बोलेंगे इसे, नीति बोलेंगे। जैसे हर एक प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल होता है, हर एक पेशे का एक पेशेवर होता है, देखिए हिंदी हो गया है ना, तो ये क्या है, एक इथिक्स की बात है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हालांकि ये पूछना नहीं चाहिए मैनेजमेंट में, खैर जो भी हो आपको ध्यान देना, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी में से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे बाहर एकदम नहीं आएगा, गारंटीड आपको इस बार 20 में 20 आने जा रहा है मार्क्स, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। और आई होप आप लोग मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज को देख चुके होंगे, और भैया चैनल तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, बोलने की जरूरत है नहीं, कर लिए है ना, यहाँ तक वीडियो देख लिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यार क्या ही बोलूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following functions of management are most closely related? इनमें से कौन सा management का function जो है, दो function वो closely related है एक दूसरे के। First है planning and organizing, planning and staffing, planning and controlling, planning and directing। तो यहाँ पे क्या होगा student? ध्यान देना है, यहाँ पे आपका option होगा C, that is planning and controlling। कैसे C होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, आपस में क्लोजली रिलेटेड है। आप जिस हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा उस हिसाब से आप कंट्रोलिंग को परफॉर्म कीजिएगा। इसके बारे में डिटेल में हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो में जाके इसे डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो सहकारी समितियां होती हैं, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, एक सेपरेट वीडियो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, वहां जाके आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मैनेजमेंट फंक्शन रिलेटेड टू इंक्रीज वर्क कैपेसिटी, यानी कि इनमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन का यूज किया जाता है या रिलेटेड है वर्क कैपेसिटी को इंक्रीज करने में। लीडरशिप, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, सुपरविजन। तो मोटिवेशन से क्या किया जाता है, वर्क कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है ना। अगर किसी के कार्य करने की क्षमता 2 घंटा है, उसमें हम मोटिवेशन डाल दें तो वो 2.5 घंटा भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कंपनी डायरेक्टर भी, एक कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है कौन, ए फिर्म, नहीं, एक कंपनी का डायरेक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा। एन इंडिविजुअल, यस, एक व्यक्ति हो सकता है। ए पार्टनर, नहीं, डायरेक्टर पार्टनर नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन इंडिविजुअल, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलिसी मेकिंग इन एन इंडस्ट्री इज अ रोल ऑफ, पॉलिसी मेकिंग किसका रोल है, यानी कि कौन करता है पॉलिसी मेकिंग का काम, कौन करता है, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक या वर्कर्स, कौन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि हमने एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एवब होता है मैनेजमेंट के, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, जितने भी पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है, वो परफॉर्म करता है, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या करता है, उस चीजों को बताता है सारे सबॉर्डिनेट्स को। ओके, पब्लिक तो होगा ही नहीं, वर्कर्स तो होगा ही नहीं, वर्कर्स काम करते हैं वहां पे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर कम्स, और ये हम लोग शायद पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हाँ, दो दो बार ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केटिंग मैनेजर्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स, यानी कि स्टाफिंग फंक्शन में मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड होता है। सेलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉई, यस, स्टाफिंग फंक्शन में हमें एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना होता है, उनको प्लेस करना होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यस, किस सोर्स से हमें एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है ना, लाइक सोशल मीडिया हैंडल हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, या डायरेक्ट हायरिंग हो सकता है, कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा ये डिटरमाइन करना, ये भी स्टाफिंग फंक्शन की ही जिम्मेदारी है। सो बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थिंकिंग बिफोर डूइंग इज, यानी कि किसी काम को करने के पहले सोचना क्या है, प्लानिंग है। एकदम बेसिक सा डेफिनेशन था प्लानिंग का, हमने पढ़ा था कि थिंकिंग बिफोर डूइंग इज व्हाट, प्लानिंग, किसी चीज को करने के पहले सोचना ही क्या है, प्लानिंग।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर 2 एंड मैक्सिमम इज 20। तो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो। ओके स्टूडेंट, तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है पार्टनरशिप में। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, थोड़ा सा भी आपको नॉलेज प्राप्त हुआ है, तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए डेट इज VVI क्वेश्चन जो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का आने वाला है मैनेजमेंट का, आंसर के साथ इसी तरह से एक्सप्लेनेशन होगा स्टूडेंट। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको अलग अलग वीडियोज में लाइक 2-3 वीडियो में बांट दिया जाएगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-60 चले गए तो ठीक है उस हिसाब से। तो मेक श्योर आपने बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लिया हो ताकि सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे स्टूडेंट। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, सर्च कीजिए टेलीग्राम पे फर्स्ट कोड YT, वहां पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो भेज दिए जाते हैं, आपको जानकारी पहले से प्रोवाइड करा दी जाती है, आप वहां पे डायरेक्टली हमसे कोई क्वेरी भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।